नारों को फांसी दो भारत वंदे मातरम कहना होगा, भारत में यदि रहना होगा। चंबा में हुए मनोहर हत्याकांड के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच NIA से करवाकर दोषियों को फांसी की सजा की मांग सरकार से की है। इस मौके पर परिषद के लोगों ने उग्र नारेबाजी की और प्रदेश सरकार से इस मामले में NIA की जाँच कराने की मांग दोहराई। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल की प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष ने कहा कि चंबा के सलूनी में मनोहर की हत्या और उसके 8 टुकड़े करना शर्मनाक है। विश्व हिंदू परिषद अपील करता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और अपराधी के पूरे परिवार को फांसी के फंदे में लटकाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे हिंदू आबादी से अपील करते हैं कि वे आगे आएं और ईंट का जवाब पत्थर से दें। चंबा के सलूनी में एक हिंदू युवक के 8 टुकड़े करके बोरे में डालकर और फेंक दिए गए। उसका अपराध केवल इतना था कि उसकी दोस्ती एक मुस्लिम युवती से थी। केवल इतने अपराध से उसके 8 टुकड़े हो गए। हम ये मांग कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से भी, और हम महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपा है उपायुक्त महोदय के माध्यम से। उसमें भी हमने ये मांग की है कि मनोहर के हत्यारों की जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए, प्रतिदिन उसकी सुनवाई की जाए, जल्दी से जल्दी उस पूरे परिवार को फांसी पर लटकाया जाए और उनकी जांच NIA से कराई जाए। अभी जो 2000 के नोट बंद हुए हैं, उसने लगभग 1 करोड़ रुपए के नोट जो है बैंक से बदलवाए हैं। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के कुकृत्य की, न केवल कुकृत्य की परंतु इस प्रकार की मानसिकता की। आपके माध्यम से मैं हिंदू समाज से ये मांग कर रहा हूँ, हिंदू समाज का आह्वान कर रहा हूँ कि अब उत्तर देने का समय आ गया है। हमारी एक भी बेटी एक भी बेटा सुरक्षित नहीं है, चाहे वो हिमाचल हो, दिल्ली हो, केरल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं पर भी, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पर भी हमारी एक भी बेटी या एक भी बेटा सुरक्षित नहीं है। किसी के भी कई टुकड़े जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार की मानसिकता उनकी जो बनी है, हम इसका विरोध करते हैं और हिंदू समाज से मैं पुनः ये मांग करता हूँ कि आगे आएं और ऐसी करतूतों का, ऐसे कुकृत्यों का जवाब दें। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।